हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से, कंपनी की ओर से धमाकेदार 11 अपडेट्स आए हैं। 11 धमाकेदार न्यूज़ आई है। कंपनी का नया नोटिफिकेशन आया है, अभी रात को आया है, 30th of July को आया है, और जिसमें कंपनी ने हर सवाल का जवाब दे दिया है, जो कि फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में हो, प्रमोटर होल्डिंग के बारे में हो, या FII का होल्डिंग कम क्यों हुआ, सब बारे में जवाब कंपनी ने दे दिया है। मतलब कंपनी ने जो भी मन में इन्वेस्टर्स के डाउट थे, सभी इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिए हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कारण हो सकता है कल हमें अपर सर्किट देखने को मिले ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कंपनी ने ऐसे कौन से 11 अपडेट्स दिए हैं, 11 धमाकेदार न्यूज़ दी है मार्केट को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, जिसके कारण इसमें हो सकता है कल हमें अपर सर्किट भी देखने को मिले। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में धमाकेदार अपडेट जो कि अभी रात को आया है, बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। ब्राइटकॉम ग्रुप ने काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था और एक चाहिए था ट्रिगर, और ट्रिगर कंपनी ने दिया है। कंपनी ने हर सवाल का जवाब दे दिया है थ्रू न्यू नोटिफिकेशन। आइए जानते हैं क्या है नया नोटिफिकेशन। कंपनी ने NSE BSE को नोटिफिकेशन देकर बताया है ब्राइटकॉम ग्रुप्स ऑर्गेनिक एंड मार्केट अपडेट। मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जो सवाल जवाब लोगों के मन में है, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करना चाहती है कंपनी। कंपनी ने बताया है कि कंपनी इज़ अ लीडिंग प्लेयर इन द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडस्ट्री, और नंबर वन पॉइंट उसमें कंपनी ने बताया है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ब्राइटकॉम ग्रुप इज कमिटेड टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। मतलब कंपनी जो भी डिसीजन लेती है, ब्राइटकॉम ग्रुप की जो उसके लिए कमिटेड है, जो कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फायदे का ही काम कंपनी करती है, और इस प्रकार से ही डिसीजन कंपनी लेती है, ऐसे पॉइंट नंबर वन में बताया गया है। पॉइंट नंबर टू फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल कॉशन एंड फिस्कल डिसिप्लिन आर हाईली वैल्यूड बाय द फर्म। द ऑर्गेनाइजेशंस लेटेस्ट डील डेमोस्ट्रेट्स इट्स कमिटमेंट टू मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस टू सपोर्ट इट्स कंटिन्यूअल ऑपरेशंस एंड एक्सपांशन गोल्स। मतलब कंपनी ने अभी क्या किया था रिसेंटली, कंपनी ने टेक ओवर करना बंद कर दिया है दूसरे कंपनियों को, और उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि जो ऑडियो कंपनी था उसको कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया, कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। वैसे ही क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने कोई कंपनी को टेक ओवर करके पैसा नहीं किया, उसमें पार्टनरशिप कर ली लूप। तो ऐसे कंपनी बताना चाह रही है कि हम लोग अब जो कंपनी का पैसा है वो ध्यान से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अक्लमंदी से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पैसा बचा रहे हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए। ये कंपनी बताना चाह रही है इस पॉइंट में कि हम लोग जो कर रहे हैं हाइब्रिड जो है, उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि भाई पार्टनरशिप कर लो ग्रोथ के लिए। जैसे मीडियामिन का भी एक्विजिशन का प्लान कंपनी ने कैंसिल कर दिया था, और मीडियामिन के साथ में हम लोग काम करते रहेंगे ऐसा बताया था। मतलब कंपनी ये बताना चाह रही है कि हम लोग अभी पैसा जो कंपनी का है सोच समझ कर यूज़ कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में, भविष्य में कंपनी के काम आए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमाइजिंग स्टेक शेयर होल्डर्स वैल्यू इज़ अ प्रायोरिटी। द प्राइमरी फोकस ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ टू मैक्सिमाइज वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। द कंपनी रिमेन्स डेडिकेटेड टू एक्सप्लोरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दैट अलाइन विथ इट्स कोर बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म विजन। मतलब फिर से कंपनी ने वही बताने की कोशिश की है, कंपनी का उद्देश्य यह है, फोकस ये है कि जो कंपनी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो। और कंपनी डेडिकेटेड है कि नई नई जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहती है, जो कि कंपनी का जिसके कारण रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, ऐसे कामों में कंपनी फोकस कर रही है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, ये कंपनी का अगला पॉइंट है, मतलब पॉइंट नंबर 4। ब्राइटकॉम ग्रुप
acknowledges the importance of transparent communication with its stakeholders, including investors and the market. The company is committed to providing timely updates and relevant information to maintain confidence and clarity. मतलब जो भी कंपनी में होता है अच्छा बुरा कंपनी टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को स्टेक होल्डर्स को एक्सचेंजेस को बताती है और कंपनी इसके लिए कटिबद्ध है कमिटेड है कि हम आगे भी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम बताते रहेंगे. अगला डील है पॉइंट नंबर 5 लूपमी डील. We are thrilled to announce the successful completion of the LoopMe deal. The strategic acquisition positions Brightcom Group to expand its capabilities in the digital advertising space and strengthens our presence in the market. मतलब LoopMe के साथ जो कंपनी ने रिसेंटली टाइप डिक्लेयर किया था उससे कंपनी को भविष्य में फायदा होगा और कंपनी का जो मार्केट में प्रेजेंस है या जो मार्केट शेयर है वो बढ़ने में हेल्प होगी ऐसा कंपनी बताने की कोशिश कर रही है कि LoopMe के डील के कारण कंपनी का ओवरऑल जो पोजीशन है वो और भी मजबूत होगा एडटेक सेगमेंट में ऐसा कंपनी ने बताया है. अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Brightcom ग्रुप इज एक्साइटेड टू शेयर इट्स प्लान टू वेंचर इनटू न्यूअर एरियाज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द फर्म इज डेडिकेटेड टू यूजिंग द enormous potential of these modern technologies in order to spur innovations and provide more value to our stakeholders. कंपनी ने आपको याद होगा क्वांटम कंप्यूटिंग में एंट्री की है ऐसा बताया था क्वांटम लैब के साथ में टाइप करके क्यू लैब्स के साथ में टाइप करके तो कंपनी यही बताना चाह रही है कि कंपनी जो फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज है जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और इसमें जो पोटेंशियल है भविष्य में इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कंपनी अभी से टैप करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर अग्रेसर है उसके तरफ बढ़ रही है यही कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि जिसके फ़ायदा स्टेक होल्डर्स को शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा कंपनी की ओर से. पॉइंट नंबर 7 प्रोमोटर होल्डिंग अपडेट. काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम कर दिया जून क्वार्टर में उसके बारे में भी कंपनी ने जवाब दिया है इस नोटिफिकेशन में. इन द लाइट ऑफ रिसेंट डिस्कशन अबाउट प्रमोटर होल्डिंग Brightcom ग्रुप वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट देर वॉज अ माइनर रिडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.3% कंपेयर टू द प्रायर होल्डिंग. मतलब मार्च क्वार्टर के जगह पे जून क्वार्टर में 0.3% से प्रमोटर होल्डिंग घटा है कंपनी ने माना है उसका रीजन कंपनी ने आगे बताया है. This reduction was solely due to the pledge trigger and was not indicative of any loss of confidence from the promoters. मतलब pledge trigger मतलब क्या होता है कि एक लिमिट क्रॉस हो गई उसके बाद में प्रोमोटर ने अपना पैसा नहीं भरा तो जो NBFC या बैंक जो pledge लेती है शेयर उसको उन्होंने बेच दिया मार्केट में तो ये pledge trigger हो गया मतलब उसका एक टाइम अप हो गया था जिसके कारण जिसके पास मॉर्गेज रखे हुए थे शेयर्स उन्होंने बेच दिए प्रमोटर ने जानबूझ के खुद होकर मार्केट में शेयर बेचे नहीं है ऐसा कंपनी बताने की कोशिश कर रही है. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शेयर के जो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो कम हुआ होगा वो अनप्लेज जो प्लेजिंग किया हुआ था होगा उसके कारण ही प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा होगा डायरेक्ट कंपनी ने या प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा नहीं है वही बात कंपनी ने फिर से दोहराई है यहाँ पे क्लियरिफाई किया है. We want to reassure our investors that the promoters are taking the necessary actions to cover the lost ownership percentage soon. ये बहुत important point है. कंपनी ने बताया है कि वो जल्द ही जो promoter holding कम हुआ है उसको recover करेंगे मतलब आने वाले दिनों में हमें promoters का buying दिख सकता है open market से Brightcom ग्रुप में और ये notification आया तो ये बहुत बड़ा trigger साबित होगा Brightcom ग्रुप के लिए क्योंकि जब प्रोमोटर मार्केट से बाय करते हैं तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आता है मार्केट के लिए तो इसमें इन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है मैनेजमेंट ने कि प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं. शेयर सेल्स बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs. वी वुड लाइक टू एड्रेस रिसेंट शेयर सेल्स बाय सम FPIs मतलब FFIs. It is essential to note that FPIs often undertake portfolio adjustment for various reasons.
including rebalancing and risk management, such decisions do not indicate any negative sentiment towards the company's prospects. मैंने आपको ये बात भी क्लियर की थी कि FIIs जो होते हैं उन्होंने माना है कंपनी ने कि हाँ उन्होंने स्टेक बेचा है कंपनी में जो होल्ड करते थे वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है. काफ़ी बार FIIs अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिसके कारण वो बेचते हैं, तो इससे कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं ऐसा इंडिकेट नहीं होता है. ऐसा कुछ भी बात नहीं है. यही कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि उनका अपना नज़रिया होता है कि उनको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है. इससे मतलब कंपनी में कोई निगेटिव न्यूज़ है ऐसा नहीं है, यही मैनेजमेंट ने बताया है. ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है. अगला 9 नंबर का पॉइंट है, शेयर सेल्स बाय द प्रोमिनेंट होल्डर. मतलब यहाँ पे उन्होंने शंकर जी शर्मा का नाम नहीं लिया है, बट उन्होंने इसके बारे में ही बताने की कोशिश की है. अ प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स रिसेंट शेयर सेल, ऑल्दो अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द होल्डिंग, शुड नॉट बी misinterpreted as a lack of confidence in Bytecom Group's potential. Shareholders have diverse investment objective and may opt for the periodic portfolio adjustment. मैंने यही बात आपको वीडियो बनाकर बताई थी कि शंकर जी शर्मा ने जो अपना 0.10% का स्टेक बेचा है, ये कभी कभी अपना एक देखते हैं कि भाई इसमें से पैसा निकाल कर दूसरे शेयर में लगा देते हैं, ऐसा उन्होंने किया है. उन्होंने कोई मेजर स्टेक बेचा नहीं है शंकर जी शर्मा ने. यही बात उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कंपनी ने कि जो निगेटिविटी फैली हुई मार्केट में कि शंकर जी शर्मा ने स्टेक बेच दिया, तो ये थोड़ा बहुत कोई स्टेक बेचता है तो इससे कंपनी में कोई खराबी है ऐसा नहीं है. उनका पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होता है, उनका पर्सनल चॉइस होता है. कंपनी ने यही बताने की कोशिश की है. पॉइंट नंबर 10, अपडेट ऑन ऑडिट कमेटी रिव्यू. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Bytecom Group's audit committee is thoroughly reviewing the relevant matters as previously announced. To ensure a comprehensive assessment, the committee requested an extension of 45 days, additional days, further into the original 90 days. मतलब 90 दिन का जो सेबी ने शो कॉज नोटिस में उनको टाइम दिया था जवाब देने के लिए, तो कंपनी ने रिक्वेस्ट करके 45 डेज और एक्स्ट्रा ले लिए है. मतलब 45 दिन कंपनी और टाइम ले मांग चुकी है सेबी से, और इसका मतलब यह है कि सेबी ने उनको 45 डेज का और टाइम दे दिया है. इन टू कंप्लीट द रिव्यू, मतलब कंप्लीट जो रिव्यू करना है, जो लैकुनाज मतलब जो गलतियां निकाली है सेबी ने कंपनी के फाइनेंशियल्स में, बैलेंस शीट में, उस पर ऑडिट कमेटी काम कर रही है, जो कि ठीक ठाक सोच समझ कर जवाब देना चाहती है ऑडिट कमेटी. वी वॉन्ट टू अश्योर आवर इन्वेस्टर्स दैट द ऑडिट कमेटी इज एक्टिवली एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट द एडिशनल टाइम विल अलाउ फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव एंड वेल इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन. मतलब उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं कंपनी के फाइनेंशियल प्रोसीजर के ऊपर या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी ने जो मेंटेन किया है, जिसके ऊपर सवाल उठाए गए थे, उसके ऊपर ऑडिट कमेटी काम कर रही है और उसके ऊपर बहुत सोच समझकर कंपनी जवाब देने वाली है जिससे शेयर होल्डर्स का नुकसान ना हो. यही कंपनी ने बताने की कोशिश की है. इसका मतलब यह है कि सेबी के शो कॉज नोटिस का जवाब अभी तक Bytecom Group ने दिया नहीं है, अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है. मतलब अभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है और कंपनी जो हिसाब से सोच समझ कर जो जवाब तैयार कर रही है या पूरा स्टडी करके ऑडिट कमेटी जवाब देने वाली है, इससे एक पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में कि कंपनी बहुत बहुत संभल कर चल रही है अभी कि पूरी गलती फिर से वो गलतियां ना हो और सेबी को कोई भी चांस ना मिले उसमें कुछ गलतियां निकालने की. पॉइंट नंबर 11 इज फाइनल, अपहोल्डिंग साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स. Bytecom Group upholds strong business principles and the management will continue to prioritize decisions that align with the companies and the stakeholders' best interest. मतलब कंपनी जो भी करेगी, कंपनी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक हमारे उसूल होते हैं बिजनेस के, उसके ऊपर कंपनी चल रही है और कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे कंपनी का या शेयर होल्डर्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान हो. ये कंपनी ने कमिट किया है कि हम उसके लिए कटिबद्ध है कि हमारे जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं उसमें कहीं पे भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी ये, और शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा.
मतलब कंपनी ने इस नोटिफिकेशन में सभी बातें क्लियर कर दी है जिसके बारे में मार्केट में अफवाह चल रही थी, रूमर्स चल रही थी, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, कंपनी ने सबका जवाब इस नोटिफिकेशन में दे दिया है। कंपनी को पता है कि कंपनी का शेयर जो रुक चुका है तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल की राह नहीं देखी, ना ही कि भाई क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसका कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, उसको 15-20 दिन है जब तक शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोच समझ कर ही मैनेजमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है कंपनी की ओर से टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आगे लिखा है कंपनी ने एंड में, ब्राइटकॉम ग्रुप हाईली वैल्यूज इट्स इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड एप्रिशिएट्स देयर ऑनगोइंग सपोर्ट। द कंपनी रिमेन्स डेडिकेटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन, पर्सुएशन, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वैल्यू। कंपनी ने यही बोला है कि कंपनी थैंकफुल है, शुक्रिया अदा करती है शेयर होल्डर्स का कि कंपनी पे विश्वास कर कर उसके साथ बने हुए हैं, और कंपनी भी ये बताना चाह रही है शेयर होल्डर्स को कि कंपनी इनोवेशन करती रहेगी, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोशिश करती रहेगी, फ्यूचर में भी अच्छा काम करती रहेगी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स का जो पैसा बचना चाहिए या उनको फ़ायदा होना चाहिए उसके लिए कंपनी कोशिश करती रहेगी, और कंपनी के प्रोग्रेस के लिए कंपनी का मैनेजमेंट कटिबद्ध है, कमिटेड है, ऐसा ही कंपनी ने बताया है। तो कंपनी ने इस नोटिफिकेशन से सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं फ्रेंड्स। अब आशा करते हैं इसके कारण सोमवार को 31 जुलाई को अपर सर्किट लगे, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस न्यूज़ के कारण तो भी कंपनी का शेयर फिर से अपर सर्किट में जाना शुरू हो जाए, जो काफ़ी दिनों से 24 के आसपास घूम रहा है, और सभी सवालों के जवाब कंपनी ने इस नोटिफिकेशन से दे दिए हैं। तो धमाकेदार बात है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, देखते हैं इसका असर कंपनी पे क्या होता है, शेयर के वैल्यू पे कल क्या होता है। हालांकि बहुत लेट कंपनी ने ये पब्लिश किया है, अब कल मार्केट में पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब फोरम पे वीडियो शेयर करने की, जिसके कारण कल फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाए और ब्रैडकॉम ग्रुप में कल हमें अपर सर्किट देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।